आज आजमगढ़ शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा आजमगढ़ के कदम घाट से शुरू होकर दलाल घाट, पहाड़पुर, टकिया होते हुए मातवरगंज तक निकाली गई। वहीं इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाया। इस अवसर पर जगन्नाथ यात्रा के आयोजन में बढ़ चढ़ के शहर के संभ्रांत व्यापारी, समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू समेत कई बड़े व्यापारियों ने अपना सहयोग दिया। विशेष पर्व है, विशेष पर्व सालों साल से मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा, सभी भक्त जो है शामिल होते हैं, भगवान की कृपा सब पर बरसती है। ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किया जाता है। वहीं बलिया जिले में भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा शुक्रवार को बाजे गाजे ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकाली गई। इससे पूरा नगर भक्तिमय हो गया। बाबा बालेश्वर मंदिर तिराहा स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर और मीना बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। नगर भ्रमण के दौरान रथ को खींचने के लिए भक्त काफ़ी उतावले दिखे। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिसकर्मी रथ के साथ भ्रमण करते हुए दिखे। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का विग्रह गर्भ गृह से विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद रथ पर आरूढ़ कराई गई। वैष्णव परिवार के स्वर्गीय कमलेश्वर प्रसाद बर्नवाल के पूर्वजों द्वारा सन 1901 में स्थापित मंदिर से प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी के जगन्नाथ के रथ यात्रा की तर्ज पर नगर में भी शोभा यात्रा निकालने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसमें सागौन, शीशम से बने रथ का इस्तेमाल होता है, जिसका वजन लगभग 3 टन है। रथ यात्रा मंदिर से आरती के पश्चात निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने रथ को ढकेलते हुए मंदिर से मालगोदाम, स्टेशन, चौक, गुदरी बाजार, लोहापट्टी होते हुए वापस आए। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। जिन जिन रास्तों से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा गुजरी, वहां भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये ठाकुर जी का जरूर निकलता है, जो कि मीना बाजार में उनका मंदिर है, और बड़े धूमधाम के साथ बाजे के साथ निकलता है, पूरा शहर भ्रमण करता है, फिर रात को अपनी जगह पे सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।